अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? सबको ईद मुबारक। आज ईद मुबारक और ईद स्पेशल मैं डिश डाल रही हूँ, आप भी ट्राई करना। ये बोलते ना, हर कोई बिरयानी, दम बिरयानी मजबूत, ये बोलते ना चिकन बिरयानी वगैरह वगैरह, पुलाव वखनी सब बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ अरबी डिश, मजबूत बोलते हैं इसको, चिकन मजबूत। अब ये न्यू डिश है और अरबी डिश भी है। आप सोचोगे कि थोड़ी देर के लिए हम अब्रॉड चले गए हैं, तो हम उधर पे उधर जाके उधर का जायका खा रहे हैं, उस तरह लगता है ये खाना। आप भी ज़रूर बनाना, ज़रूर खाना और ट्राई करना। चलो चलिए किचन में मेरे। मैं 2 किलो चिकन ली हूँ, 1 किलो चावल बनाने वाली हूँ। इसके लिए ऐसे बड़े बड़े पीस ही लगते हैं मजबूत में, छोटे पीस नहीं लगते हैं। इससे भी बड़ा पीस होता है, लेकिन मैंने इसको 4 टुकड़े कर दी। एक मुर्गी को मैंने 4 टुकड़े करी हूँ। ये 2 पीस ही होता है, अखा मुर्गी भी होता है, 2 पीस भी होता है, लेकिन मैंने 4 करी हूँ। देखो, और मैंने इसको धो के इसको ऐसा चाकू से कट कर लिया है, क्योंकि मसाला मेरा अच्छी तरह से उसके अंदर लग जाए और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। और ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची कोथमीर पुदीना है, ये तीनों मैंने, 1 इंच अदरक है, 2 गड्ढी लहसुन की है। तो ये सब मैं सारा मसाला इसके अंदर, कोथमीर पुदीना भी ऐड करूँगी और उसके इसको मैं सारा पीस लूँगी। और ये सूखा मसाला है जो हरी इलायची है 8 से 10, और लौंग है, 2 दालचीनी के टुकड़े है, और ये काली मिरी और तेज़पत्ता और ज़ीरा, ये सारे चीज़ को हमको ग्राइंड कर लेना है। ये मजबूत के लिए हमारे को ज़्यादा गर्म मसाला नहीं, बस यही मसाला लगता है। एक तपेली में हम इसको डाल के, अभी मैं ये बेसन में डाल के बता रही हूँ, मैं तपेली में डालूँगी इसको डाल के। ये सूखे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो आपको बता रही हूँ। देखो, मैं इसको छान के फिर हमको निकाल भी लेना है या भी छोड़ भी सकते हैं हम, इसका जायका पूरा उसके अंदर उतर जाएगा। देखो, ये तपेली रखी हूँ मैं, ये तपेली के अंदर ये सूखे मसाले और ये चिकन पूरा मैं ऐड कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसका फ्लेवर, गरम मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए और मेरी अच्छे से एक अकनी बन जाए और चिकन भी पूरा बॉयल हो जाए। जब तक मैं इसको थोड़ा सा नमक डालूँगी, नमक डाल के इसको बॉयल करूँगी। अभी मैंने इसको इसमें नमक डाल रही हूँ, देखो 2 ये 3, क्योंकि हमको खाने के अंदर भी ये पानी मतलब डालना है ना, तो इसके लिए हम बाद में चख लेंगे कि कम है या ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा, हम ऐड कर लेंगे। अब इसको ढक्कन डाल के हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब ये 15 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट, उससे पहले भी हो जाएगा, क्योंकि मेरी छोटी मुर्गी है, जल्दी हो जाएगा। देखो मेरा कितना अच्छे से कुक हो गया, देख रहे हो ना, कितना अच्छे से पूरा चिकन मेरा गल गया है। देखो, तोड़ के दिखाती हूँ, देखो आपको, है ना, सही है ना, ये पूरा गल गया और उसका पूरा रस गरम मसाले का इसके अंदर आ गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देंगे। ठंडा होने के बाद में फिर इसको, अब इसका देखो सारा ये जो गरम मसाला है, इस तरह हम निकाल के इसको, अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका रस हमको पूरा मिल गया है, तो अब इसको हम खाने में डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई छोड़ भी देता है, लेकिन मैं निकाल देती हूँ, जितना निकल सकता है उतना निकाल देती हूँ। आप लोग अगर निकालना चाहते हो तो छन्नी की मदद से इसको सारा निकाल देना। अब ये देखो कितना चिकना है, तो इसके अंदर आ गया है ना, ऐसी तरी लग रही है, जैसे कि मैंने तेल डाली, मैंने तेल तो बिल्कुल नहीं डाली हूँ। देखो, अब ये ग्रीन मसाला जो मैंने बताई थी आपको, ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर पीस के रख लिया है मिक्सी जार में अच्छे से। जो हमारा बॉयल चिकन है, देखो उसको हम मसाला लगा लेंगे अच्छे से। मेरा मम्मा ये चिकन गल चुका है ना, तब इसको हम, देखो हल्दी पाउडर 1 स्पून, मिर्ची पाउडर, मेरे मिर्ची में ये तीखी मिर्ची है, इसमें इसके लिए कलर नहीं है, और नमक देख के डालना दोस्तों, क्योंकि मैंने बॉईल करने के टाइम में भी नमक डाली हूँ, इसके लिए आप देख के डालना, क्योंकि मसाले में लगना चाहिए नमक, इसके लिए नमक डाल रही हूँ मैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा फूड कलर, अगर कश्मीरी लाल मिर्ची हो तो फूड कलर की ज़रूरत नहीं है, और ये ज़ीरा पाउडर, और ये तंदूरी मसाला 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैं डालूँगी, ज़रूरत पड़े तो। और देखो देखो, तंदूरी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस, अगर ये तंदूरी मसाला, अगर ये मसाला लगा के हम मजबूत बनाते हैं तो इसको मजबूत बोलते हैं।
एक ढक्कन विनेगर, अगर बिना तंदूरी बनाते हैं हम बॉईल करके रखते हैं तो उसको फाहम बोलते हैं। ये अरबी डिश का दो नाम होता है, तो इसके लिए मैं फाहम नहीं बना रही हूँ, मजबूस बना रही हूँ। तो अभी एक अंडा इसके अंदर मैं फोड़ के डाल दूँगी ताकि मेरा मसाला अच्छे से बाइंडिंग हुए और वो तो फ्राई करने के टाइम पे मसाला बिल्कुल बाहर ना आए। और एक स्पून मैं, एक स्पून से थोड़ा कम मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि हमारा अंडा पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाए। देखो इसी तरह हाथ की मदद से या स्पून की मदद से आप जिससे चाहो उससे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। देखो हो गया ना, अंडा नज़र नहीं आ रहा, अंडे में शाइनिंग आ गई, तो मसालों में शाइनिंग आ गई क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसके लिए मसालों में और एकदम शाइनिंग दे रहा है। उसी तरह चिकन के भी में भी लगाएंगे ना हम, उसी तरह शाइनिंग देगा और खूबसूरती बढ़ा देता है तेल डालने से। इसके लिए ज़रूर आप मसाला लगाने टाइम पे थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालना। और तंदूरी बनाना है हमारे को तो अंडा इसके लिए डालना पड़ता है ताकि हमारा चिकन कड़क ना हो, नहीं तो 65 बनाते करते हैं तो चिकन हमारा कड़क हो जाता है ना बनाने के टाइम पे, फ्राई करने के टाइम पे। अगर हम अंडा डालने की वजह से ना तो वो एकदम सॉफ्ट रहता है, चिकन हमारा कड़क नहीं आता है। देखो इसी तरह सारे चिकन को मैं एक एक करके सबको मसाला में लगा लूँगी। देखो दिख रहा है अच्छे से उसके अंदर अंदर जितना हम कटिंग कर रहे थे, उसको कट कर रहे थे, उसके अंदर मसाला लगना चाहिए। इस तरह मैं सारे चिकन को मसाला लगा के बताती हूँ आपको। इसके लिए बड़ा सा बॉल लेना चाहिए ताकि हमारा मसाला हमको लगाने के लिए ना एकदम इजी और आसानी हो। कि छोटे बर्तन लेते हैं तो हमारे को मसाला लगाने के लिए नहीं होता क्योंकि छोटा छोटा चिकन होता है तो हमारे को छोटे बॉल में लगाने के लिए जमता है, लेकिन हमारा चिकन बड़ा बड़ा है। देखो मैंने सारे पीसेस को मसाला लगा के मैंने रख दिया। अब इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए मैरिनेट के लिए रख डालूँगी ताकि मेरा दूसरा मैं ये करूँ खाना। देखो अभी मैं ये एक कड़ बॉल में, एक बड़े से बर्तन में मैंने तेल डाल दिया है 4 चम्मच, क्योंकि मैं 1 किलो राइस बना रही हूँ ना और ये डक्कूस बना रही हूँ बाजू तपेली में। 4 टमाटर 2 कटिंग करके मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया मैंने, खाली इसके अंदर टमाटर बॉईल हो रहा है। ये जो डक्कूस से बोलते हैं इसको, जो मजबूस में खाते हैं, ये जो बाजू डिश में मैं बड़े से बर्तन में ही मैं बोली ना आपको बरिस्ता बना दी हूँ, अभी वही पैन में मैं इसको थोड़ा सा डालडा डाल के इसको मैं जो कांदा जो मसाला रखी हूँ उसको मैं अभी ये बघारूँगी। देखो आपको जितना, आपको खाली डालडे में ही बनाना है या देसी घी में बनाना है आपके ऊपर है, ये मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ क्योंकि देसी घी में नहीं बना रही, अब मैं कांदा डाल रही हूँ। दोस्तों ये डिश मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिल के बनाया है, इसके लिए मैं भी बना रही हूँ, मेरे शोहर भी बना रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं से मैंने ये सीखी थी क्योंकि कुवैत में वो रहते थे तो वहाँ से नवी डिश बना के हमको खिलाते थे, इस वजह से हमको ये डिश आने लगा और हम भी गए थे तो हम वहाँ पर खाए थे ये खाना। देखो इसमें मसाला का अच्छे से कांदा लाल हो रहा है हमारा, इसको अभी ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बरिस्ता तो बना लिया, इसका खाली कच्चापन ही हमारे को दूर करना है। तो इसको अभी थोड़ा सा गोल्डन जैसा हो जाएगा तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने मसाले के अंदर भी अदरक लहसुन डाली हूँ लेकिन ये एक्स्ट्रा डाल रही हूँ ताकि अलग से अच्छी खुशबू आ जाए। और ये कड़ी पत्ता जो डाल रही हूँ ये अपने तरफ से डाल रही हूँ क्योंकि अरबी लोग कड़ी पत्ता को नहीं जानते हैं, वो लोग कड़ी पत्ता क्या है वही नहीं उन लोगों को पता है, लेकिन मैं खुशबू के लिए ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आपको डालना है डालिए, ना डालना है मत डालिए। इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। अभी जो मैंने पीस के मसाला, हरा मसाला जो मैंने पीस के रखा था वो उसके अंदर मैं पूरा ऐड कर दूंगी, पूरा अच्छे से मिक्सिंग करके इसको अच्छे से भून लेना। जब तक इसका कच्चापन इसका दूर नहीं जाना चाहिए उसी तरह इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेना क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो ये रहता है वो स्मेल नहीं आना चाहिए। अरे मसाला अच्छे से भूनने के टाइम पे हम इसके अंदर मैगी ट्यूब डाल देंगे। ये मैगी ट्यूब देखो इसके अंदर ज़रूरी है डालना क्योंकि ये अरबी वाले लोग ज़्यादा गरम मसाला, हम जैसा गरम मसाला यूज़ करते हैं वो लोग नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमारे को वो मैगी ट्यूब डालते हैं और खाली बस लौंग इलायची
बस इतना ही डालते हैं वो लोग। और ये काली मिर्च जीरा डालते, बस ये दो ही चीज़ डालते हैं। अभी मैं पानी जो बॉईल करके, चिकन बॉईल करके जो रखी थी ना पानी, वो उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से थोड़ा बॉईल होने का इंतज़ार करूँगी। अभी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर फिर मैं नमक, इस स्टेज पर नमक आप चख लेना, ढक्कन डाल के थोड़ा टाइम रख देना, क्योंकि हमने नमक डाला था पहले भी, फिर अभी मेरा नमक बराबर है। मैं अभी इसके अंदर जो चावल मैंने बासमती चावल धो के भिगो के रखी थी, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। देखो अच्छे से मेरा बराबर पानी बराबर हो गया, क्योंकि मैं नाप के डाली थी, 1 किलो चावल था तो मैं उस हिसाब से डाली थी। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी और बरिस्ता जो बना के रखी थी वो उसके ऊपर मैं छिनक दी हूँ। लहसुन हरी मिर्ची इसको मैं अच्छे से कुचल दूँगी, और जो मैंने टमाटर बॉईल करने रखी हूँ ना उसके अंदर मेरे को मिक्स करना ही है। ये उसको बोलते हैं डक्कूस, देखो अब ये इसको डक्कूस बोलते हैं टमाटर का। इसके मैं छिलके उतार के इसको ग्राइंड कर लूँगी। देखो मैं अभी मिक्सी जार में डाल रही हूँ इसको, अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब वही डिश में मैं इसको ग्राइंड करेला उसके अंदर मैं डाल दूँगी पूरा मिक्सी में। और जो मैंने कुचल के रखी थी हरी मिर्ची और लहसुन, उसको कच्चा ही हमको डाल देना है, और उसमें स्वाद के हिसाब से हमको नमक डालना है। बस डक्कूस हमारा रेडी हो गया। और जो चिकन में मैं मैरिनेट करके मसाला लगा के रखी थी, इसको भी मैंने फ्राई करके ले ली हूँ, और मेरा चावल भी दम हो गया। देखो कितना अच्छे से मैं डिश आउट करके रखी हूँ, दिख रहा है ना आपको कितना अच्छे से मैंने सजाई हूँ। इसी तरह बनाते हैं वो लोग तो अक्खी अक्खी मुर्गी रखते हैं और आधी आधी मुर्गी रखते हैं, लेकिन हम उन लोग की बराबरी तो नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं, वो अक्खा नहीं तो आधा। इसके लिए मैं इस तरह से बड़े बड़े पीसेस का मैंने मजबूत बनाई हूँ। आप भी ज़रूर स्पेशल ये बनाना। बिरयानी अखनी तो आप लोग हमेशा खाते हो, ये बार मेरे स्टाइल में दार भी खाना, ज़रूर बना के खाना और मुझे याद करना। और इसके साथ में सूखी मिर्ची की चटनी भी पीसते हैं, लहसुन और सूखी मिर्ची की, जो मेरे चैनल में पहले से मैं डाल के रखी हूँ, वो मैंने अभी दिखाई नहीं हूँ, लेकिन आप ज़रूर इसके साथ में वो पीस के ज़रूर रखना, डक्कूस मजबूत और वो सूखी लाल मिर्ची की चटनी। चलो मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक फिर बोलूँगी आपको।